तो भाई देखो आ गया रोप वे, देख रहे हो छह टिकट लेकर रख लेता, सात टिकट आ गए हैं फाइनली माता के दर्शन करने के लिए। जो मेन पॉइंट है यहाँ से एंट्री हो गई हमारी, क्योंकि पहले इतनी चीजें नहीं थी जितनी अब, मतलब जो कंस्ट्रक्शन किया गया है नया नया, देख सकते हो एक नई एंट्रेंस बनाई गई है, देख रहे हो स्काई वॉक है ये पूरी, और यहाँ से जाने के लिए अलग कर दिया और आने के लिए अलग कर दिया है रूट, आप चेक कर सकते हो, देख रहे हो मतलब नेक्स्ट वाले। अभी नया कंस्ट्रक्शन है, इसका उद्घाटन है ना अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करा था, देख लो, देखो आप, मतलब हर साल है ना कुछ नई थीम से सजावट होती है, और इस साल की थीम देख लो आप। सो गाइस देख लो आप एक बार, अब थोड़ा आगे आ गए यहाँ पे, देखो जय श्री राम जय माता दी, सब फूलों से लिखा गया, और एक से एक एंटिक फूल मिल जाएगा आपको यहाँ पे माता के दरबार में। गाइस यहाँ पे देख लो क्या सजावट की गई है, दुर्गा भवन के पास है हम, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो गाइस आपको इसमें दिख रहा होगा, देखो ये एक वो चल रहा है रोप वे, ये बहुत जल्द है ना आम लोगों के लिए भी, नीचे से सीधा भवन तक के लिए इसकी सर्विस शुरू हो जाएगी सेवा, और भवन जाने का रास्ता देख रहे हो यहाँ से रास्ता जाता है, और देखो उसके अंदर भी लोग सोए हुए हैं, मतलब यहाँ में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है भाई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्थक्वारी, और अर्थक्वारी से देख लो कटरा शहर कैसा दिखता है, देख रहे हो 20 तारीख है और सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे, नई दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ में, और पीछे देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइज अब हम अपने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से देखो लिखा हुआ वेलकम नवरात्रि फेस्टिवल, और सामने है माता जी का भवन। सो गाइज यात्रा की शुरुआत करते हैं यहाँ से, जय माता दी जयकारे लगा देना और कमेंट में लिख देना जय माता दी, और देखो क्या क्या तैयारी की गई है और कैसा सजा है माता का दरबार नवरात्रि में, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं देखना। सो अभी चल रहे हैं ऊपर, और पूरे ब्लॉग में बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो भाई अभी बज रहे हैं रात के 12:20 के आसपास हो रहा है, और हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ में, देख रहे हो पूरी फैमिली के साथ में, भाई उधर खड़े हैं, और अब चल रहे हैं यहाँ से, और पूरी माता भवन की सजावट वगैरह सब दिखाऊंगी नवरात्रि में कैसा सजा रहता है माता का दरबार। तो गाइस बोलो जय माता दी और यात्रा करते हैं अपनी शुरू। तो गाइस देख सकते हो इस समय भी इतनी भीड़ है नहीं, और आपको आपकर मैं आपको सामने दिखाऊं तो माता का भवन देख सकते हो फ्रंट में कैसा सजा रखा है एकदम फूलों से, और भीड़ नहीं है बिल्कुल भी अभी। तो गाइस अभी भीड़ इतनी है नहीं यहाँ पे, और जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और भाई भीड़ मतलब बहुत ही कम है, मतलब हम जब चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, देखो आज आप चेक करो, देख रहे हो अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, और देख सकते हो भाई पूरा खाली पड़ा हुआ है, ज्यादा भीड़ है नहीं भवन अभी वो चढ़ाई, मतलब जाने वालों की भीड़ है इतनी है नहीं, और जो खुशी हो रही है बहुत नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। इधर से आ जाओ, इधर से ये एंट्री है, और यहाँ पे देख सकते हो एकदम खाली है, मतलब बहुत ही कम भीड़ है, मिनिमम होती है जो वो भी नहीं है आज तो, ऐसा लग रहा है भाई क्या करें। तो भाई यहाँ से हमने चेकिंग करवा दी है, देख रहे हो अब चेकिंग करवाने के बाद, और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा अपना यात्रा शुरू करेंगे, और आपको दिखाएंगे हम कि क्या तैयारी की गई है भवन के ऊपर, और जहाँ जहाँ भी मतलब मेन मेन पॉइंट हैं जो वैष्णो देवी के, वो सब चीज़ आपको चेक कराते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ से चेकिंग हुई, और अब चलते हैं अपना आगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं, शायद हो सके ये वीडियो जब आए जब नवरात्रे खत्म हो गए हो, बट ये है कि आप नेक्स्ट ईयर भी प्लान कर सकते हो, इसको देख के आपको काफ़ी अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या तैयारी रहती है भवन के ऊपर। सो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा आपको माता का दरबार, कैसा लगेगा आपको माता का दरबार और बाकी चीज़ें। तो अभी चलते हैं, और ये है मेन मार्केट, जब आप यहाँ से निकलोगे ना तो आपको मेन मार्केट से होते हुए जाना पड़ता है, बीच में मार्केट लगी हुई है छोटी छोटी, यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, जैसे माता की चुनरी, डंडे, जो लोग नहीं चल पाते जैसे मेरी मम्मी के लिए मैंने डंडे ले लिए, पापा के लिए डंडे ले लिए हाथ में, और टोपे वगैरह सब, फोटो वगैरह क्लिक कराने हो आपको वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। तो गाइस आप जब भी यात्रा करो ऐसे बैठ बैठ के जाते रहना, थोड़ी थोड़ी दूर पे जब भी थक जाओ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, अगर जल्दबाजी करोगे और तेज चलोगे तो भाई ऐसा ना करें, सांस भी फूल जाएगी और यात्रा भी फूल नहीं कर पाओगे, तो बीच में रेस्ट जरूर लेते रहे। तो हमें एक थोड़ा सा रेस्ट लिया है पूरी फैमिली ने यहाँ पे, थोड़ा सा बाणगंगा से ऊपर आए हैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर आ गए होंगे, तो और एक छोटा बच्चा हमारे साथ है, देखो बेबी वो पीछे दिख रहा है ना आपको, उसके लिए हम थोड़ा रेस्ट लेके कर रहे हैं, और अब फिर आगे चलेंगे यहाँ से, और पहला स्टॉप आता है अब जब भवन की यात्रा शुरू करते हैं तो पहला था बाणगंगा, तो बाणगंगा पहुँचते हैं आपको फिर वहाँ पे मिलता हूँ। तो गाइस ये पहला पड़ाव देखो बाणगंगा मंदिर, यहाँ पे आके आप है ना सबसे पहले यहीं पर आओ और अपना हाथ पैर मुँह हाथ धो या नहा भी सकते हो,
जैसा आपको अच्छा लगे, जिस समय आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखो नीचे घाट बना हुआ है, वहाँ जा सकते हो आप। तो यहाँ पे जाके सबसे पहला पड़ाव ये है और इसके बाद फिर आगे की यात्रा पूरी शुरू करना आप। तो कहते हैं कि भाई जब माता भैरव जी से बच के जा रही थी ऊपर, तो भैरव जी उनके पीछे पड़े हुए थे, सबसे पहले माता ने यहाँ पे रुक के अपने केस धोए थे, बाल धोए थे। तो इसलिए इसका नाम बाल गंगा या बाण गंगा भी बोल सकते हो आप इसको। तो भाई देखो पहला दर्शन ये है, सामने लिखा हुआ है बाण गंगा पहला दर्शन। और यहाँ पे फोटो लेना मना है, तो खाली मैंने झलक दिखाई है आपको, पहला कट यही है। तो वैसे देखो यहाँ पे ना ऐसे साथ साथ में ऐसी रंग बिरंगी दुकान है जहाँ माता का सारा सामान मिल जाएगा आपको, खाने की, टॉय शॉप और ऐसी चढ़ाई है। देखो आप जो पहले आ चुका है उसे पता होगा, लेकिन ऐसे थोड़ा चढ़ाई है यहाँ से, फिर उसके बाद देखो यहाँ से ऊपर तक चढ़ाई चढ़ाई है, देन उसके बाद अर्धकुंवारी के बाद फिर और सही हो जाता है। तो ऐसे ही इन्जॉय कर सकते हो आप और अपना जयकारे लगाते हो चल सकते हो, क्योंकि भाई अभी भीड़ कम है यहाँ पे, देख रहे हो आपको दिख रहा होगा कि लोग कम है इसलिए पता नहीं, तो भीड़ कम है नहीं तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। तो अभी चल रहे हैं आगे और आपको अर्धकुंवारी पे जाके मैं दिखाऊंगा कि क्या सजावट की गई है। सबसे अच्छा भवन वहीं सजता है अर्धकुंवारी पे, और फिर भवन की भी आपको दिखाऊंगा पूरी रौनकें। तो गाइस जैसे जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए आप ऐसे घोड़े करवा सकते हो यहाँ पे, जो नहीं चल पाते, तो आप देख सकते हो इधर हमने अपनी फैमिली में घोड़े करवा दिए हैं। तो इससे आप इस तरीके से भी आप आके उनकी यात्रा को अच्छी और सुगम बना सकते हो। ये छोटी कार्ट होती है बच्चों के लिए, छोटी कार्ट होती है, इस पे भी आप बैठा के उनको ले जा सकते हो, देख रहे हो आप। चलते रहो हमारे भाई। तो गाइस देखो यहाँ पे ना ऐसी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी आपको, रंग बिरंगी दुकानें, जो माता की भवन की पूरी मतलब वो खड़ा आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, भवन आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं आपको, देख रहे हो बहुत सारी दुकानें हैं। देखो ये कैरी त्रिपुरी मार्केट है बाण गंगा की साइड में, चेक कर सकते हो आप। और गाइस देखिए मंदिर आता है बीच में, इसको इच्छा पूर्णिमा भगवती दर्शन बोलते हैं, देख सकते हो आप। अभी बंद है मंदिर बंद कर रखा है अभी, देख रहे हो। और अब चल रहे हैं आगे और बहुत कम भीड़ है भाई इस बार नवरात्रे में, इतनी भीड़ नहीं दिख रही मुझे, खाली है सारा रास्ता। सो जय माता दी। और यहाँ से देखो ऊपर अर्धकुंवारी के दर्शन हो जाएंगे आपको, ऊपर देख रहे हो आप। अभी हम ऐसे ही चल रहे थे आपने देखा होगा, और अब हमने बांध लिया माता जी की चुनरी और माता जी का नाम अपने सर पे। तो अब यहाँ से जो अर्धकुंवारी है मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर रह जाती है और अब यात्रा और अच्छी हो जाएगी। तो इसी बात पे जयकारा शेरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। तो चल रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत कम है, तो आप देख सकते हो पुराने वाले रास्ते पे भी खाली है, कभी कोई लोग आ रहे हैं। और नवरात्र यात्रा का दूसरा पड़ाव आ गया है और यहाँ पे प्रथम दर्शन होता है मंदिर श्री चरण पादुका, सामने आपको दिख रहा होगा ये मंदिर है। माता ने यहाँ से कहानी ऐसी है कि यहाँ से मुड़ के माता ने पीछे मुड़ के देखा था खड़े होके कि भैरव जी कितना मेरे पीछे आ रहे हैं, तो यहीं पर ही उनके चरण के निशान है अंदर। तो अंदर रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम यहीं से दिखा रहे हैं आपको, तो आप बाहर से आप दर्शन कर सकते हो और जय माता दी कमेंट में लिख देना गाइज। ये है पूरा कटरा शहर, नीचे देख रहे हो आप, हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हुए हैं और यहाँ से अर्धकुंवारी रह जाता है 3 किलोमीटर के आसपास, 3 या 2 किलोमीटर। तो अभी थोड़ा यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप, और फिर चलते हैं आगे, मिलता हूँ अर्धकुंवारी पे आपको लेके। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी से देख लो कटरा शहर कैसा दिखता है, देख लो जम्मू कटरा शहर देख लो पूरा। और ये है हमने हमारे सामने अर्धकुंवारी माता, अर्धकुंवारी बोलो जयकारा शेरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली और हम वहां से आ रहे हैं, आपको एक रिंग लाइट दिख रही होगी, इसमें सारी रिंग लाइट दिख रही है, लेकिन वहां से हम काफी दूर से आ रहे हैं अपना कवर, और तकरीबन हमने आधी यात्रा कवर कर ली और आधी और यात्रा बची है। तो क्योंकि भाई अपने साथ फैमिली के साथ हैं इसलिए थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं, नहीं तो लड़के होते तो बहुत तेज थोड़ा जल्दी खींच लेते हैं, बट ये कि अभी इस समय सुबह के बज चुके हैं 4:30 और भवन पे मेरे ख्याल से आई थिंक हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाने चाहिए माता रानी चाहे तो, उसके बाद हम वहाँ दर्शन करेंगे। अब मैं आपको अर्धकुंवारी की सजावट दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या सजावट की गई है।
सो गाइस फाइनली अर्धकुंवारी पे आ चुके हैं और भवन की सजावट देख लो आप, कितना अच्छा सजा हुआ है, देख रहे हो, ये चेक करो आप। तो हम आ गए अर्धकुंवारी भवन पे और देखो क्या बढ़िया सजा रखा माता का भवन, चेक करो आप, देख रहे हो, एक नज़र में आप भर के देखो और मुझे बताओ आप कि कैसा लग रहा है। सो गाइस देख लो, ये है माता के भवन की सजावट अर्धकुंवारी की, देख रहे हो, और नवरात्रों में चेक कर लो क्या भाई साहब क्या रौनकें लगी हुई हैं भवन के ऊपर। और भाई साहब मतलब बयान नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, ना आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो, बस देख लो, तो सारी थकान उतर गई जो रास्ते की थी ना यहाँ पे आने के बाद, चेक करो आप, तो लोगों ने यहाँ पे आके आराम करते हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पे चेक करो आप। थोड़ा जो भी यात्रा से आता ना वो आके यहाँ पे ना आराम करने लगते हैं, क्योंकि भाई आगे जाने के लिए थोड़ा उन्हें एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है, देख रहे हो कितने लोग सो रहे हैं। तो भाई हम भी इसलिए ना आगे जा रहे हैं, यहाँ नहीं रुक रहे क्योंकि बहुत भीड़ है, और आगे जाके देखते हैं कि क्योंकि इससे आगे निकलेंगे और फिर आगे जाके सीधा अपनी जो यात्रा उसे पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा है और आप लोग देख ही चुके हो। वो भवन जाने का रास्ता देख रहे हो, यहाँ से रास्ता जाता है और देखो उसके अंदर भी लोग सोए हुए हैं, मतलब यहाँ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई। सो गाइस यहाँ पे ना देख रहे हो कितने सारे लोग सो रखे हैं, तकरीबन 1 से 1 किलोमीटर रास्ता तो सारे जगह पर लोग सोए हुए हैं, तो यहाँ तक लोग सोते हैं आराम करते रहते हैं क्योंकि भाई थक जाते हैं जो यात्रा से आते हुए। और ये देख सकते हो आप, और हम पहुँच चुके हैं अभी ये ना माता जी के मंदिर जाने का रास्ता वहाँ पे। तो गाइस हम यहाँ पे दर्शन तो किया नहीं हमने, लेकिन अभी हम जा रहे हैं सीधा भवन के लिए, और हमें दिखा रहे हैं वहाँ पे 4 घंटे, और 4 घंटे के आसपास हम पहुँच जाएंगे, 4 साढ़े 4 के आसपास, और फिर वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको मैं कि वहाँ क्या सजावट की गई और कैसी रौनक लगी हुई है माता के भवन पे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा, मतलब माता के भवन की तरफ जा रहे हैं। रात को 2 बजे शुरू की गई यात्रा, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, और अलग ही मज़ा आ रहा है, थक भी गए हैं, बीच में सो भी गया था मैं। और देख लो भाई रात का व्यू दिखाया था मैंने, सुबह देख लो, मॉर्निंग में भी धीरे धीरे फॉग क्लियर हो रहा है, तो पता चलेगा कि आपको जैसे क्लियर होगा ना तो फिर सिनेरियो दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे देखो कढ़ी चावल, राजमा चावल, सांभर वड़ा, खीर भी मिल रही है भाई व्रत वालों के लिए, और कितने अच्छे कढ़ी चावल देख रहे हो, थिकनेस देख रहे हो, मतलब कैटरिंग कितनी अच्छी है ना। आप श्राइन बोर्ड का एक ये ऐसे ऐसे आपको आउटलेट मिल जाएंगे जिसमें ना बहुत अच्छा मतलब खाने का सामान मिलता है आपको, और इसमें मतलब कढ़ी है ना टेस्ट जो है इसका बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आगे चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। अगर आपको कार से आना ना, इलेक्ट्रिक कार वगैरह लेनी है, तो आपको देखो ऐसी कार चलती है यहाँ पे, ये आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, और ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की साइट पे जाके, नहीं तो यहाँ से मिल जाती है, पर यहाँ से भी कर सकते हो। और भाई देखो एक ये पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे आके जहाँ से भवन के पहले दर्शन होते हैं आपको, ये सामने माता रानी का भवन दिख रहा है ये, तो अलग ही खुशी है। और जो कल रात को सफ़र पूरा हुआ था हमारा शुरू, तो थोड़ी देर में यहाँ पे जाके पूरा हो जाएगा, तो वहाँ चल रहे हैं और फिर भवन पे मिलता हूँ आपको। तो गाइस आपको इसमें दिख रहा होगा, देखो ये एक वो चल रहा है रोपवे, ये बहुत जल्द है ना आम लोगों के लिए भी नीचे से सीधा भवन तक के लिए इसकी सर्विस शुरू हो जाएगी सेवा। अब ये सिर्फ माल के लिए चालू हो रखा है, देख सकते हो आप, देख रहे हो ये फोकस आउट कर रहा है कैमरा थोड़ा, ये देखो ये जा रहा है, बहुत जल्द हम लोगों के लिए भी ये चालू हो जाएगा, देखते हैं कब इसकी जो सेवा है वो मिलती है लोगों को, चेक कर सकते हो आप भाई, ये देखो ये जा रहा। आ गए हैं फाइनली माता के दर्शन करने के लिए, जो मेन पॉइंट है यहाँ से एंट्री हो गई हमारी। आजा क्या हुआ, देखो कुछ नए भवन बने हैं यहाँ, जैसे पार्वती भवन है, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल गई है भाई पहले से, क्योंकि पहले इतनी चीजें नहीं थी जितनी अब, मतलब जो कंस्ट्रक्शन किया गया है नया, वो चीजें बहुत सारी बदल चुकी है। और आप अगर आते हो ना तो प्रसाद नीचे से ना लाएं, यहाँ पे ना भेंट शॉप है, तो यहाँ पे आके प्रसाद ले लोगे तो रीजनल लेवल रेट में मिल जाएगा। तो गाइस इनसे आप प्रसाद लें नीचे से ना लाएं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि ये ना बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाती है चीजें, और वही चीज होती है जो अंदर चढ़ाई जाती है ना वो सारी चीजें यहाँ मिल जाती है आपको। देखो क्या सजावट की गई है भवन पे, और अब भवन पे पहुंच गए हम, और भवन पे पहुंचने के बाद जो पहली झलक मिली है हमें, ये देखो, देख रहे हो क्या सजाया गया है। सो गाइस देख लो आप क्या सजावट की गई है भवन पे, हम भवन पे इस समय,
और ये देखो आप, मतलब हर साल है ना कुछ नई थीम से सजावट होती है, और इस साल की थीम देख लो आप, क्या फूल लगाए गए हैं देख रहे हो। सोचा था कि मैं दिन में आ जाऊंगा, रात में ही आ जाएंगे यहाँ पे, कि रात की सजावट कुछ अलग ही होती है, बट रात में भाई नहीं पहुंच पाया क्योंकि जैसा प्लान करते हैं ना वैसा होता नहीं है प्लान के अकॉर्डिंग। पे अभी भी सजाया जा रहा है, यहाँ लिखा है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, देख लो यहाँ पे भी सजाया जा रहा है, और ऊपर की आप सजावट चेक कर सकते हो अटना जी। और भाई यहाँ पे ना डेली जो फूल है वो चेंज किए जाते हैं, और जो सजावट है ना वो तो भाई नेक्स्ट लेवल की है, चेक कर सकते हो आप। ये देखो, और ये सब नया यहाँ पे फुटपाथ बनाया गया है लोगों के चलने के लिए ताकि इजी रहे। ये देखो सब चीज चेक करो आप, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल की वो है कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा है। चेक करो क्या मस्त लग रहा है, देख रहे हो। और भाई ये है भैरव पे जाने के लिए रोपवे, देख रहे हो लिखा हुआ, यहाँ से टिकट मिलता है और यहाँ से आप रोपवे पे जा सकते हो, उसकी एंट्री आगे से होती है, और दिखाता हूँ वहाँ पे भी देखो। और एक प्रसाद की शॉप देखो यहाँ पे भी है, बिल्कुल भैरव के सामने, यहाँ पे आपके भी भैरव पे आप प्रसाद की शॉप ले सकते हो, तो प्रसाद ले सकते हो। लेकिन सोगाई जला की रौनकें लगी हुई है माता के दरबार में, भक्तों की भीड़ लगी हुई है देख सकते हो आप, और सजावट देख लो आप क्या सजावट की गई है, देखो आप चेक करो। जितना मुझे लग रहा था कि भीड़ नहीं मिलेगी ऊपर, लेकिन क्या हुआ हम थोड़ा लेट हो गए आने में, लेकिन भीड़ पूरी है, ये देख सकते हो कितना अच्छा लिखा गया है। और इधर साहब मेरे ख्याल से ना चंद्रयान भी बना रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये देखो ये चंद्रयान भी बनाया हुआ देख रहे हो, इसरो को भी हवाई यहाँ पे लगाया गया देख लो आप, ये देखो है ना। और थोड़ा आगे चले तो यहाँ पे देखो फूल लाए गए हैं जो डेली चेंज होते हैं माता के दरबार में, और उनकी तैयारी की जा रही है देख लो आप, गेंदे के फूल रखे हुए हैं। जय माता दी जय माता दी, देखो सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में, चेक कर सकते हो आप कितना बड़ा स्टाफ काम कर रहा है। और यहाँ देखो लिखा हुआ है जय माता दी, देख रहे हो कितना बड़ा लिखा हुआ है। और भाई ये है मेन गेट, इसकी सजावट है ना, इसकी सजावट हमेशा से भाई देखने लायक होती है, आप किसी नवरात्रे में आ जाओ हर बार नया वो होता है, कहते हैं नया कंस्ट्रक्शन किया जाता है और नई थीम होती है, इस बार देख लो आप, ये चेक करो आप, देख रहे हो भाई देख सकते हो आप। और ये देखो लोग लगे हुए हैं, जो जो फूल पुराने हो जाते हैं उनको दोबारा से चेंज किया जा रहा है यहाँ पे, ये चेक कर लो आप। और यहाँ देखो आप भाई रात में आते ना अगर हम तो अलग ही रौनक मिलती इसमें, बट अब दिन में आए तो दिन की भी अलग ही खूबी है। बट वो कहते ना भाई कि आप कितना भी कुछ कर लो दर्शन तभी होंगे जब माता रानी आपको बुलाएगी। ओ भाई पर चेक करो आप क्या लग, मतलब बयान नहीं कर सकते इसको शब्दों में, देख रहे हो ये देखो ओ भाई देखो कितना अच्छा झूमर बनाया गया है, देख रहे हो पुराने फूल ले जाए जा रहे हैं और नए फूलों को लगाया जाएगा यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप, चेक कर लो आप और बस एंजॉय करो आप। गाइस देख लो आप कितना अच्छा माता का दरबार सजाया हुआ है, मतलब नेक्स्ट लेवल की वाइब अलग ही, मतलब आप इसको ना बयान नहीं कर सकते शब्दों में। आप अगर आओगे या जो लोग आके जा चुके हैं वो कमेंट में लिख देना जय माता दी, क्योंकि तो भाई ये जो चीज मैं देखने को मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मतलब साल में आपको दोबारा नहीं मिलेगी देखने के लिए, देखो आप। भाई देख रहे हो ये देखो वर्कर लगे हुए हैं काम करने में, ये चीज चेक करो। सो गाइस देख लो आप, क्या रौनकें लगी हुई हैं दरबार के अंदर माता के, देख रहे हो। और एक ही नया गेट बनाया गया है जाने के लिए। सो गाइस आप देख सकते हो एक ही नई एंट्रेंस बनाई गई है, देख रहे हो स्काई वॉक है ये पूरी, और यहाँ से जाने के लिए अलग कर दिया और आने के लिए अलग कर दिया रूट, आप चेक कर सकते हो देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट वाले अभी नया कंस्ट्रक्शन है, इसका उद्घाटन है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करा था देख लो आप। और ये पुराना स्काई वॉक है देख सकते हो आप, पूरा शीशे का है, शीशे विशे लगाए गए हैं इसके अंदर, और ये ना
पहले क्या था, नीचे से लाइन लगती थी तो उसको हटा दिया गया और इसको ऊपर कर दिया, जाने का अलग कर दिया और आने का अलग कर दिया है। ये नया स्काई वॉक है जो अभी शुरू किया गया है। इसको बने हुए मेरे ख्याल से 10 दिन हुए हैं, नवरात्रों में फर्स्ट नवरात्रों को इसकी ओपनिंग की गई थी। देख रहे हो और माता के दरबार में भीड़ देख लो आप कितनी लगी हुई है। जो हम सोच रहे थे पहले कि भीड़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं है। आ गए यहाँ पे, देखो जय श्री राम, जय माता दी, सब फूलों से लिखा गया और एक से एक एंटिक फूल मिल जाएगा आपको यहाँ पे माता के दरबार में। और यहाँ नौ देवियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं, देख रहे हो, चेक कर सकते हो आप। और ये माँ दुर्गा की बड़ी सी प्रतिमा एक। और थोड़ा आगे आते हैं हम तो यहाँ माँ कात्यायनी, नौ देवियों की सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, चेक कर लो आप। और जो सजावट है ना भाई, जो सजाया गया है ना, वो तो भाई बयां नहीं कर सकते, स्पीचलेस। ये देखो लगे हुए हैं लोग सजाने में, काम पे लगे हुए हैं, देख लो आप। क्योंकि भाई जो नवरात्रों में जो सजावट होती है ना, वो भाई अलग ही होती है। ये देखो आप, ये देखो राम दरबार है। तो भाई यहाँ तक तो फूलों की सजावट थी, और अभी थोड़ा एक माता का दरबार आगे लगा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, उस फ्लोर पे जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख लो क्या सजावट की गई है, दुर्गा भवन के पास है हम, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, देख रहे हो, ये है भाई नया दुर्गा भवन। सो गाइस देख लो कितना भरा हुआ भवन है माँ का दरबार चारों तरफ, और धूप भी निकल चुकी है, सूरज निकल चुके हैं, देख लो सूर्य देवता। और ये है नया स्काई वॉक, और यहीं से हम अब जाएंगे अंदर और माता रानी के दर्शन करेंगे। अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो अंदर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आके फिर मैं मिलूंगा आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस फाइनली दर्शन करके आ गए हैं, और दर्शन पर ना भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई नवरात्रे है, छठा नवरात्रा है आज, तो भीड़ है ना आप कह सकते हो बहुत ज्यादा है। ये देख रहे हो आप, इस साइड में देख सकते हो, इस साइड में चेक कर सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, अंदर लोग खड़े हुए हैं, और भाई भीड़ है ना, रश पूरा अपने पीक पर है। तो दर्शन तो हमें अच्छे हुए हैं, और अब आ रही है हमारी भैरव घाटी जाने की, तो भैरव घाटी जाएंगे रोपवे से, और रोपवे का किराया वगैरह सब बता दूंगा आपका। सो चल रहे हैं अब, और जय माता दी, और आगे क्या आप चलते हैं भैरव घाटी, वहाँ पे मिलता हूँ आपको। गाइस रश चेक कर लो, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा हो चुकी है भवन में, क्योंकि भाई पीक आवर है। और ये जो नया जो बनाया गया है ना ऊपर का स्काई वॉक, वो ऊपर है, देख रहे हो आप, वो जो शीशे लगे हुए हैं, ये अब जाने का है, और एंट्री उसके आगे से होती है, जहाँ पहले लाइन लगती थी ना एंट्री की, वहीं से लगती है इसकी भी लाइन। तो गाइस चेक कर सकते हो आप, देख रहे हो गाइस, फाइनली देख लो आप, यहीं से हमने स्टार्ट करा था माता के भवन पे जाने का रास्ता, और ये है फाइनली सजावट, तो वो काफी अच्छी है, मतलब कि आप इसको देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। नवरात्रों में तो अलग ही रौनक होती है माता के दरबार की, और चेक कर लो आप। तो अब चल रहे हैं यहाँ से और भैरव घाटी के लिए, और भैरव घाटी के लिए आपको बताइए कि रोपवे चलता है, तो वहीं चल रहे हैं। और देख लो भाई एक बार आप दोबारा कि जो ये रौनकें लगी हुई है ना माता के दरबार में, वैसे तो 12 महीने रहती है, बट नवरात्रों में तो भाई माता के भवन का कुछ अलग ही नज़ारे होते हैं, जो मतलब आप बयान नहीं कर सकते, बस आके उसको ना महसूस कर सकते हो, देख रहे हो। हर तरीके का फूल लगा हुआ है माता के दरबार में, हर तरीके की सजावट जो मुमकिन हो सकती है वो की गई है, चेक कर लो आप। और व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है भाई नवरात्रों के लिए, सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट है, इसलिए देख सकते हो आप। ये देखो आ गए हैं वो। सो गाइस अब बारी है रोपवे से भैरव घाटी जाने के लिए, और भैरव घाटी जाने के लिए देख लो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आज लाइन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि भाई नवरात्रे चल रहे हैं, इस वजह से देख सकते हो आप। और अभी चल रहे हैं यहाँ से सीधा भैरव घाटी के लिए, और टिकट प्राइस जो है वो अब हो चुका है 100 रुपीज पर पर्सन, आना जाना उसमें दोनों रहता है, आपको आधे घंटे के अंदर वापस रोपवे पे आना पड़ेगा, नहीं तो टिकट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखना भाई आप।
सो गाइस देख लो ये रोप पे पहुंच चुके हैं और रोप पे देख लो ये इसका मीटिंग पॉइंट जहाँ से ये ले जाता है हमको और लाइन थोड़ी लगी हुई है लंबी बट पहुंच जाएंगे थोड़ा टाइम और लगेगा। सामने भवन का नजारे देख लो क्या चमक रहा है भवन देख रहे हो आप। सो बस थोड़ी देर की बात हो रहा है और अभी देखना रोप वे चलेगा तो अभी दिखाता हूँ। तो गाइस देखो ये आ गया रोप वे देख रहे हो एंट्री मिल गई है और अब रोप वे चलेगा तो आपको मैं दिखाता हूँ रोप वे से क्या नजारे आते हैं वो देखना आप। तो देख लो गाइस अब रोप वे जा रहा है अपना भवन के लिए और भवन देखो आप देखो क्या चमक रहा है देख रहे हो आप मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है ये चीज देख लो आप। और नीचे देखो वहां से हमने लिया है और ये रोप वे का चेक कर सकते हो आप देख रहे हो। और जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम वैसे वैसे बहुत अच्छा होता चला जाएगा इसका व्यू चेक कर लो आप देख रहे हो भाई। तो अभी सीधा मिलता हूँ आपको भैरव पे जाके बस पहुंच गए हैं भैरव घाटी पे और यहाँ से देख लो जैसे ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे इसका जो व्यू है ना बहुत अच्छा होता चला जाता है भाई। भवन का जो व्यू आ रहा है व्हाइट कलर का देख रहे हो आप नीचे। तो भाई जी हमारे सामने भैरव मंदिर और भैरव मंदिर की भीड़ देख लो कितनी है। यहाँ पे पहुँचने मुझे 2 घंटे लग गए ऑलमोस्ट रोप वे से आते आते भी बट अब अपना काम हो चुका है और मत्था टेक लिया है। सो गाइस अब चल रहे हैं नीचे अपने मतलब कटरा की तरफ तो फटाफट चलते हैं और अभी मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देख लो यहाँ से ऐसा दिखता है भवन ऊपर से बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं हम इस समय तो चेक कर सकते हो आप है ना। तो अभी चल रहे हैं अब नीचे और अपना रोप वे भी आने वाला है थोड़ी देर में क्योंकि उसकी टिकट का टाइम है 2 घंटे से पहले पहुँचना होता है। तो गाइस अभी चल रहे हैं नीचे क्योंकि अपना रोप वे का टाइम होने वाला है क्योंकि उसकी जो टिकट का प्राइस है वो 2 घंटे के लिए वैलिड होता है और अपने को टाइम ज़्यादा हो चुका है। और ये था मंदिर भैरव घाटी का सो लेट्स गो। 2 घंटे के अंदर ना आपको वापस जाना पड़ेगा रोप वे पे नहीं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी इसलिए तो टाइम ऑलरेडी हो चुका है और आप चल रहे हैं फटाफट रोप वे स्टेशन का मतलब भैरव घाटी से नीचे जाने का रास्ता देख रहे हो यहाँ पहुँच चुके हैं और 10 मिनट लगेगी नीचे पहुँचने बस। ये आ गया था अपना रोप वे लेकिन ये मिस हो गया क्यों क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। अब नेक्स्ट वाले का वेट करना पड़ेगा और आने में तकरीबन लगेंगे उसे भी 5 से 10 मिनट नेक्स्ट वाले में चलेंगे। रोप वे आ गया और यहाँ से मैं अब डाउन साइड में अब जाएंगे और उसका व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो सामने से भवन दिख रहा होगा आपको देख रहे हो। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के एंड पॉइंट पर और भाई यहीं से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी माता के भवन की यात्रा स्टार्ट करी थी। और जो यात्रा का जो डे था वो था कौन सा डेट क्या थी 18 तारीख की हमने शाम को शुरू करी थी और आज है भाई 20 तारीख और आज यात्रा समाप्त होती है मेरी। सो गाइस ये चेक कर सकते हो आप और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।